नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और टी बिजनेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग विजिट करेंगे जरकन टी बार का। दोस्तों ये एक पूर्णतः एक अलग से सेगमेंट है टी बिजनेस के रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए डिफरेंट सेगमेंट्स में जो है चाय का बिजनेस होता है दोस्तों। जैसे कि लूज टी से स्टार्ट होता है, कोई लूज टी की ट्रेडिंग कर सकता है, कोई जो है अपना ब्रांड बना सकता है जो कि ट्रेडिशनल चला आ रहा है दोस्तों, के पैकेट्स उन्होंने लूज टी ली, फिर अपने पैकेट्स में अपने ब्रांड के नाम से पैक किया और फिर जो ट्रेडिंग चलती है या जो फ्रेंचाइजी बिजनेस चलता है। ये जो सेगमेंट है दोस्तों, जो टी बार का सेगमेंट है, ये टोटली डिफरेंट सेगमेंट है। जैसे कि पुरातन काल में या थोड़ा पीछे चलें, हम थोड़ा सा समय काल से पीछे चलें, तो हमें देखने को मिलता था कि जो टी जो मिलती थी, टी टपरी जो होती हैं या टी कैफे ही आपका जो छोटे छोटे टी स्टोर्स जो होती हैं उनके ऊपर चाय पीने को मिलती है। ये जो टी बार्स का सेगमेंट है दोस्तों, ये टी बार और टी कैफेज जैसे कि स्टारबक्स कॉफ़ी है हाउस है या इसी प्रकार से अभी जो टी के जो रिलेटेड चल रहे हैं, ये एवले टी हो गया या चायोस हो गया, इस प्रकार से अलग अलग जो ये मॉडल चला है, ये आज की जनरेशन को बहुत पसंद आ रहा है दोस्तों। ये वाला जो मॉडल है, इसी के साथ मैं हम आपको जो विजिट करवाता हुआ चलता हूँ, ये वाला जो मॉडल है ये बहुत पसंद आ रहा है आज की जनरेशन को, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो जो है टपरी पे चाय नहीं पीना चाहती है या टी स्टॉल पे बाहर बैठ के चाय नहीं पीना चाहती। उसे एक अच्छी एम्बियंस चाहिए, एक अच्छा एटमोसफियर चाहिए चाय पीने के लिए, एक अच्छा माहौल चाहिए जहाँ पे वो रिफ्रेशमेंट ले सके, या फिर बिजनेस क्लास है तो अगर उसे एक मीटिंग के लिए एक अच्छा स्पेस चाहिए वहाँ पे वो बैठ के कम्फर्टली मीटिंग कर सके। तो ये दोस्तों ये अलग अलग 6 थीम के साथ बना हुआ है टी बार, जो जरकन का टी बार है ये इसी सेगमेंट पर बना हुआ है। और इसमें और अदर फ्रेंचाइजीज जो मिल रही हैं उनमें क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको पहली थीम जो इस पर हम लोग शुरू किया था वो देखिए कप की थीम थी, जो अभी एक बार मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा फिर से दिखाएं। ये कप्स की थीम है जिसके अंदर से लाइटिंग बाहर आ रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे डिज़ाइन किया है आर्किटेक्ट ने। ये देखिए कप में से जो लाइट्स बाहर आ रही हैं, बहुत ही अच्छा वर्क किया गया है इसके ऊपर। ये है एक दीवार का थीम जो है, एक फर्स्ट थीम है इसका। सेकेंड थीम जो है ये बम्बू के साथ में जो बनाया गया है, ये बैम्बूज हैं इसका जो है, अभी इस पर थोड़ा वर्क बाकी है, इस पर अभी फाउंटेन बाकी है, फोटो फ्रेम्स बाकी हैं, अभी ये बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है। तो ये बैम्बूज की थीम है, ये सेकंड थीम है दोस्तों यहाँ की। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, ये इसका थर्ड थीम है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बन मस्का चाय है, यहाँ पे सैंडविच का थीम है, मैगी का थीम है, मैगी नूडल्स हैं, ये सब यहाँ पे इस वॉल पे जो थीम है। और दूसरा इफेक्ट जो है लाइटों का दोस्तों, जो एम्बियंस क्रिएट हुई है इस लाइटिंग की वजह से, ये बड़ा लाइटिंग पे बड़ा अच्छा वर्क किया गया है यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल। जैसे यहाँ पे झूमर लगे हुए हैं ऊपर, जो लाइटिंग जो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं डिफरेंट कलर की जो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, इनसे जो है देखिए अभी काउंटर पे भी लाइट है, काउंटर भी अलग से लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है काउंटर के ऊपर। तो ये चीज़ें इस पर जो है चार चांद लगा रही हैं दोस्तों। इसके बाद में हम लोग अगले थीम पे चलते हैं, जो एक स्टोर का थीम है दोस्तों। यहाँ पे जो स्टोर बनाया है आर्किटेक्ट ने बड़ा सुंदर क्रिएट किया है। देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही बढ़िया आप देख सकते हैं कि सामने जो है लूज टी के कंटेनर है, जो कि हमारा पुराने समय से जो चला आ रहा है कि लूज टी डिफरेंट ब्रांड की जो है लूज टी यहाँ पे ले सकता है कस्टमर। सबसे अच्छा कि पहले यहाँ पे टेस्ट करे वो चाय का जायका ले, उसके बाद में जो फ्लेवर उनको पसंद आए जिस ब्लेंड में चाहें वो, ये जो 10 टाइप्स के जो जरकन के ब्लेंड हैं वो चाय हैं यहाँ पे, अलग अलग ब्लेंड्स यहाँ पे मिलता है, जैसे कि मसाला टी हो गया, सदाबहार टी हो गया, टी स्टॉल चाय हो गया, होटल स्पेशल हो गया, ये सब स्वीट होम चाय है, सदाबहार चाय है, ये सब तरीके के ब्लेंड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद में जो 24 टाइप्स के फ्लेवर्स हैं जो पीछे देख रहे हैं आप, रो में देख रहे हैं यहाँ पे, कैमरामैन जरा इधर से दिखाएं, जो ये डिफरेंट रो में लगी हुई हैं 24 तरीके के फ्लेवर की चाय हैं, जिसके अंदर 16 बिना दूध की चाय हैं, 8 दूध वाली चाय हैं। उसके बाद में जो उधर थोड़ा सा लगा हुआ है, जो कि पैकिंग्स का जो सेगमेंट है, पैकिंग सेगमेंट में जो है वो वाली चाय है यहाँ पे। इन सब फ्लेवर्स के बारे में हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। ये टोटली थीम अलग से थीम है दोस्तों जो यहाँ पे बनाई गई है। ऊपर कुछ झूमर देख रहे हैं आप, यहाँ पे बड़ा अच्छा झूमर लगा हुआ है लकड़ी के बीच में, जो ये कारीगरी की गई है बहुत ही सुंदर। यहाँ पे देखिए ये जो सीटिंग्स हैं ये भी बहुत अच्छे से तैयार की गई हैं, डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे सोफ़ा यहाँ क्रिएट की गई है। बड़ा अच्छा लगता है जब यहाँ पे बैठ के जो है जब चाय का आनंद लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो फ्लेवर्स अलग अलग, दूसरा जो इतना बढ़िया एम्बियंस में बैठ के यहाँ पे अगर चाय पी जाए बहुत ही अच्छा लगता है। ये मॉडल
वो किस प्रकार से डिफरेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में कि ये किस प्रकार से ये मॉडल उनसे डिफरेंट है। सभी जितने भी अभी तक फ्रेंचाइजी मॉडल चले हैं उनसे जर्कन का ये जो टी बार का कंसेप्ट है टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। अभी देखिए नेक्स्ट थीम पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो बड़ी डार्क थीम है जो वॉल पे की गई है, बड़ी डार्क थीम है। यहाँ से जो लाइटिंग्स बाहर आ रही हैं देखिए इसके पीछे, ये टोटली क्रोकरी का थीम है। यहाँ पे जैसे केटल्स आपको मिल सकती हैं, अलग अलग टी पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए क्ले मिट्टी से वाले जो है, यहाँ पे मिट्टी के जो कप्स हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कप्स हैं यहाँ पे मिट्टी के। और इसमें जो है टोटली टेस्ट भी चेंज हो जाता है जब आप कुल्हड़ में पीते हैं, तो कुल्हड़ का जो टेस्ट आता है थोड़ा स्मोकी फ्लेवर उसके अंदर ऐड हो जाता है, चाहे आप वो तंदूरी टी के साथ में पी रहे हो या कोई और चाय हो। ये देखिए बड़ा अच्छा क्रिस्टल का जो ग्लास है, बहुत ही प्यारा ग्लास है ये क्रिस्टल का। इसी प्रकार से ये जो केटल देखिए, जब आप बिना दूध की चाय आप जब अलग अलग फ्लेवर में चाय पीते हैं तो ये केटल्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है उसके अंदर। तो ये जो टी पॉट्स हैं ये सब जो है अलग अलग रोल अदा करते हैं। यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि अलग अलग टाइप के जो यहाँ पे हैं, ये देखिए कप स्टैंड है, इसी प्रकार से एक आगे टी पॉट है। और अगली थीम पे मैं आपको लेने जाऊँगा, लास्ट थीम है जो यहाँ के फ्लावर की थीम। उसके बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से ये डिफरेंट है ये दूसरे सेगमेंट से। यहाँ से देखिए अभी हम लोग चलते हैं लास्ट थीम पर। ये जो है देखिए पूरा वॉल जो है अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पे जो अगर आप देखते हैं तो ये एम्बियंस देखते हुए बनती है। यहाँ पे देखिए अभी ये मैंने आपको दिखाई अलग अलग छह थीम से ये बना हुआ है, अलग से लाइटिंग इफेक्ट है इसके अंदर। यहाँ की एम्बियंस बड़ी अच्छी है, टोटली जो है आपका जो है वातानुकूलित यहाँ पे जो वातावरण है इसमें यहाँ पर। और अच्छा क्यों है ये दूसरे थीम से अलग क्यों है देखिए। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ये किस प्रकार से अदर जितने मॉडल्स हैं, जितने जो ये फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं उनसे किस प्रकार से ये जो जर्कन टी कंपनी का जो टी बार है, जर्कन टी बार जो है किस तरीके से ये मॉडल टोटली डिफरेंट है और क्या क्या इसके अथाह बेनिफिट्स हैं जो आपको होने वाले हैं, जो अलग से बेनिफिट होने वाले हैं, वो मैं आपसे सीरियलबद्ध जो है आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि देखिए जितने भी ये फ्रेंचाइजी मॉडल चल रहे हैं अभी तक टी प्रोसेसिंग समझ रहे हैं आप, जहाँ पे टी को बना के पिलाया जाता है, सर्व किया जाता है अपने कस्टमर्स को, जहाँ पे वो चाय पीने के लिए आते हैं, ऐसे जितने भी मॉडल चल रहे हैं उनका खुद का जो है चाय का बिजनेस नहीं रहा है, उनकी बैकग्राउंड चाय से रिलेटेड नहीं रही है। यहाँ जो है कंपनी की खुद की जो है चाय का ही पूरा कंपनी है, ये चाय का ही पूरा काम है इनका। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर जो है कंपनी के हाथों में है, जिसकी वजह से क्वालिटी बड़ा अच्छे से कंट्रोल की जा सकती है और की जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा एक जो है प्लस पॉइंट है, अगर जर्कन टी बार की आप फ्रेंचाइजी बुक करते हैं या फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा जो है बड़ा अच्छा पॉइंट है दोस्तों, जो है सप्लाई चेन। देखिए आज 70+ जो है डिस्ट्रीब्यूटर हैं कंपनी के ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो वर्किंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, रॉ मटेरियल में क्वालिटी ऑलरेडी पहले से एश्योर हो चुकी है और अभी जो है सप्लाई चेन भी टोटली विकसित हो चुकी है। तो अगर कहीं भी टी बार खुलता है तो वहाँ पे जो उन्हें रॉ मटेरियल मिलने वाला है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उन्हें कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने वाली, बड़ी ईजिली जो है उन्हें मिल सकता है। तीसरा है दोस्तों, जब ये सेटअप हो जाता है, क्योंकि सेटअप कॉस्ट इनका जो है बहुत न्यूनतम है, सेटअप कॉस्ट बड़ा इजीली सेटअप हो सकता है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी फीस नहीं है, कोई बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी फीस नहीं है। EMI फैसिलिटी भी उपलब्ध है, अगर आप चाहते हैं अपनी सिटी का जो टी बार बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। EMI फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल है दोस्तों। ये मौका तो बिल्कुल अपने हाथ से मत जाने दीजिए, सोने पर सुहागे वाला मौका है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलने वाली है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है दोस्तों कि उसके ऊपर क्लाइंट लेके आना, यानी कस्टमर लेके आना, ट्रैफिक लेके आना। तो इनका ऑलरेडी जो है जर्कन टी कंपनी का जो ऑलरेडी एफिलिएट मॉडल चल रहा है दोस्तों, जहां पे ऑलरेडी क्लाइंट बेस यानी कि अगर हम फतेहाबाद की ही बात करें, हरियाणा के अंदर है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर भी 1000 से ऊपर एफिलिएट मेम्बर्स की संख्या है जो कि क्लाइंट बेस है, जो कि यहाँ पे जो है फर्स्ट डे जिस दिन ओपन होता है टी बार उसी दिन से ट्रैफिक होने वाला है, जो कि बेनिफिट मिलने वाला है। अगर 1000 क्लाइंटों की संख्या किसी सिटी के अंदर हो तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है उस टी बार को। उसके बाद में आता है दोस्तों जो अभी IBM मॉडल चालू हुआ, IBM ये तो बहुत ही सुंदर, ये तो एक ड्रीम वर्क की तरह है दोस्तों, एक ड्रीम वर्क है एक तरीके का ये IBM मॉडल जो है। अगर आप IBM में भी शामिल होना चाहते हैं तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे जो सीनियर IBM हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर और सुनहरी मौका दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। चाय के बिज़नेस में अगर पदार्पण करना है तो जर्कन टी कंपनी से अच्छा और
शानदार मॉडल नहीं हो सकता है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है और हर तरीके की हैंड होल्डिंग की जाती है। अगर आप बिना इन्वेस्टमेंट के काम करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से भी काम करना चाहते हैं, तो आप एफिलिएट मॉडल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत जो है कोस्टिंग अगर कार्य करना चाहते हैं, छोटी मोटी कोस्टिंग लगाकर कार्य करना चाहते हैं, तब भी आप जो है यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। अगर आप जिला स्तर पर कार्य करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अगर आप तहसील स्तर पर कार्य करना चाहते हैं तो एडी मॉडल बुक कर सकते हैं। और अगर आप चाय पिलाने वाले प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं, कैफ़े वाले प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं, टी बार खोलना चाहते हैं, तब भी आप जो है शामिल हो सकते हैं। और ईएमआई फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल है कि यहाँ पे आप ईएमआई के साथ में आप अपना काम और सेटअप शुरू कर सकते हैं। अपनी जगह जरूर सेव कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे दोबारा जो है मौका शायद ही मिल पाए आपको, क्योंकि आने वाले समय में इसकी इतनी डिमांड होने वाली है कि इतने महंगे दामों पर बिकने वाला है ये मॉडल, इसकी आप जो है कल्पना भी नहीं कर सकते, ये कल्पना से परे है। इतना शानदार मॉडल अभी तैयार हुआ है और देखिए थीम तो बहुत ही शानदार है, इतनी बढ़िया एम्बियंस के साथ में और बिल्कुल लो बजट के अंदर ये सेटअप आपका करके दे रही है कंपनी, पूरी तरीके से आपके साथ में है। तो दोस्तों आप जो है हर तरीके से जो है जर्कंटी कंपनी में शामिल हो सकते हैं। चाहे आप अगर चाय के बिज़नेस को गहराइयों से समझना चाहते हैं तो वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं आप, बेसिक वीडियो कोर्स जो है आप घर बैठे हुए आराम से पूरा का पूरा नॉलेज आप ले सकते हैं। बिल्कुल कोई ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी नहीं लगने वाली, एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रैवल करना पड़ जाए तो इतनी कॉस्ट आपकी ट्रैवलिंग में चली जाती है, जितनी न्यूनतम कीमत में वो आपको कोर्स मिल जाता है। और आप घर बैठे सारे के सारा जो है नॉलेज ले सकते हैं, बिल्कुल अपने काम के साथ में नॉलेज ले सकते हैं, अपने काम के साथ जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ में आप जो है सेटअप बना सकते हैं चाय के बिज़नेस का। और ये चाय का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है दोस्तों जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जो लाभ अर्जित करके देता है, आपको जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है बेनिफिट पहुंचाता रहता है दोस्तों। और जितने ज़्यादा पुराने आप होते चले जाते हैं इस बिज़नेस में, ये उतना ही लाभदायक बिज़नेस आपके लिए बनता हुआ चला जाता है। हर सेगमेंट से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, चाहे आप लूटी की ट्रेडिंग करनी हो, चाहे अपना ब्रांड बनाना हो, चाहे आप जो है फ्रेंचाइजी मॉडल में आना चाहते हैं, चाहे आप सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो चाहे आप राज्य स्तर से हो, चाहे आप 5 जिलों पर कार्य करना चाहते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट स्तर पर काम करना चाहते हैं, चाहे आप तालुका या तहसील स्तर पर कार्य करना चाहते हैं, और या अभी जो है टी की प्रोसेसिंग यानी कि टी कप पिलाने वाला कार्य जो आप करना चाहते हैं, कैफे मॉडल में आप आना चाहते हैं, तो टी बास में आप एंटर कर सकते हैं दोस्तों। और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो एफिलिएट के अंदर एंटर कर सकते हैं। और आईबीएम मॉडल में भी आप एंटर कर सकते हैं, बहुत ही सुनहरी मॉडल है। आपको आप जैसे ही आप इंक्वायरी डालते हैं तो हमारे सीनियर आईबीएम आपसे कांटेक्ट करते हैं जल्द से जल्द। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से आ जाऊंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।